नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आशा करता हूं कि आप सभी आज का जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑक्यूपेशनल या फिर न्यूमोकोनियोसिस इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन इसकी पैथोलॉजी साइन एंड सिम्टम्स डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन देखते हैं हम के इट इज ए टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल लंगे जानना जरूरी है आउटर कैपिलरी के बीच का जो स्पेस होता है उसको ही हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं यानी कि एलव्यूलर सैक और कैपिलरी के बीच का जो ये थोड़ा बहुत खाली स्पेस होता है इसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं इसके अंदर मेनली के फाइबर्स एंड के फाइबर्स पाए जाते हैं कॉलेजन और इलास्टीन की वजह से ही ये एल्बुल जो होती है उनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है और थोड़ी बहुत हार्डनेस पाई जाती है जिसकी वजह से लंग्स जो होते हैं वो न होते हैं ना रप्चर हो पाते हैं तो इलास्ट एल्वेलर सेक और कैपिलरी के बीच का जो आ, स्पेस होता है उस स्पेस को हम इंट्रस्टिशियम बोलते हैं जिसके अंदर कॉलेजन एंड इलास्टिन के फाइबर्स मिलते हैं और इसके अंदर अगर कोई डिफॉर्मिटी uh, होती है या ऐसी कोई पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से इंटरस्टिशियम में कोई डिस्फंक्शन देखने को मिलता है तो हम उसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं एंड ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस जो होती है वो स्पेसिफिकली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहलाती है क्योंकि उनमें इंटरस्टिशियम के अंदर ही डिस्फंक्शन देखने को मिलता है न्यूमोकोनियोसिस इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ लंग डिजीजेज

या जो डिजीज जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल की वजह से ही होती है डस्ट पार्टिकल बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन दोनों टाइप के डस्ट पार्टिकल या फिर किसी भी टाइप के डस्ट पार्टिकल से अगर कोई लंग डिजीज होती है तो उसको हम न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं इनऑर्गेनिक डस्ट कौन कौन सी होती है लाइक like, सिलिका हो सकती है एस्पेस्टॉस हो सकता है कोल डस्ट हो सकती है एंड ऑर्गेनिक डस्ट जैसे के कॉटन डस्ट हो सकती है एंड शुगर के हो सकती है। अब देखते हैं अलग अलग टाइप की ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस कौन कौन सी होती है लाइक like, सिलिकोसिस सिलिकोसिस क्या होता है उन पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलती है जो कि माइनिंग का काम करते हैं सीरेमिक्स का, का काम करते हैं मेटल ग्राउंडिंग का, का काम करते हैं या फिर स्टोन क्रशिंग का, आ, आ, का काम करते हैं ये जो पत्थरों को मशीन से ग्राइंड करने का काम करते हैं उनसे जो भी डस्ट निकलती है वो सिलिकोसिस का uh, कॉज होती है इसके अलावा स्लेट पेंसिल इंडस्ट्री में जो काम करती है जो स्लेट के ऊपर पेंसिल स्लेट पेंसिल के इंडस्ट्री uh, के अंदर जो काम करते हैं तो इस पेंसिल से भी बहुत सारी डस्ट निकलती है जो कि लंग्स के अंदर जाके इंटस्टिशियम को डिफोर्म uh, करती है तो कि सिलिकोसिस कहलाता है इसके अलावा दूसरा होता है एंथ्रेकोसिस या फिर कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस ये किस में देखने को मिलता है कोल माइनिंग वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है या जो कोयले की खदान के अंदर काम करते हैं उनके उन पेशेंट्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है जिसको हम एंथ्रेकोसिस भी बोलते हैं इसके अलावा एस्बेस्टोसिस जो कि सीमेंट फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं सीमेंट फैक्ट्री में जो सीमेंट होती है उसका मेन इंग्रीडियंट होता है एसबेस तो इसीलिए एस्पेस्टोस की जो डस्ट आ, जो होती है वो सीमेंट के थ्रू सीमेंट पार्टिकल के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर जाती है या जो वहां काम करते हैं उनके अंदर जाती है तो इसीलिए सीमेंट फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों के अंदर एस्पेस्टोसिस नाम की न्यूमोकोनियोसिस बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है इसके अलावा बिस्िस होता है जो की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है कॉटन टेक्सटाइल जैसे के जो रुई के गद्दे भरते हैं या फिर बहुत सारे कॉटन के कपड़े बनाते हैं या फिर ऐसा कोई भी मेटेरियल कॉटन टेक्सटाइल जिसके अंदर रूई का बहुत ज्यादा यूज होता हो तो ऐसे इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों के अंदर बेसनोसिस नाम की न्यूमोकोनियोसिस बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है इसके अलावा जो होता है वो शुगर केन इंडस्ट्री में मिलता है क्योंकि शुगर केन को जब पूरा ही निचोड़ लिया जाता है तो उसके पीछे जो भी डस्ट फटती है वो जब हवा में उड़ती हुई उसके अंदर काम करने वाले लोगों के लंग्स के अंदर जाती है तो बैगेसॉसिस नाम की न्यूमोकोनियोसिस बीमारी करती है जो कि शुगर केन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है बेगे क्यों क्योंकि इस जो डस्ट होती है शुगर केन डस्ट को के बेगेसो बोलते हैं बेगे बोलते हैं इसीलिए इसको हम बेगेसोसिस कहते हैं तो कितने टाइप की ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस हो गई सिलिकोसिस हो सकती है जिसमें सिलिका का इनहलेशन होता है एसपेस एंथ्रेकोसिस हो सकती है जिसमें कोल माइनिंग यानी कि जो कोयले के खदानों में काम करते हैं उनका जो डस्ट इन्हेलेशन होता है तो एंथ्रेकोसिस होता है तीसरा एसबेस्टोसिस हो सकता है जिसमें एसबेस्टोस का इनहेलेशन होता है लाइक सीमेंट फैक्ट्री चौथा बीसिनोसिस हो सकता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले और पांचवा बैगोसिस हो सकते हैं लो शुगर केन इंडस्ट्री में काम करने वाले इसके अलावा और भी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस हो सकते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो लंग्स के अंदर एंटर करते हैं एंड डिफॉर्मेटी शो करते हैं लेकिन मेनली हमें सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस एस्पेस्टोसिस, बेसिनोसिस एंड बेगे नाम के न्यूमोकोनियोसिस बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है अब हम इसकी पैथोलॉजी के बारे में बात करें तो पैथोलॉजिकल लीजंस डिपेंड्स uh, क्या होता है कि तो ये डस्ट पार्टिकल अंदर जाके अलग अलग टाइप के लीजन्स uh, करते हैं वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं लाइक like, क्या क्या हो सकते हैं नेचर ऑफ सबस्टेंस किस टाइप का सबस्टेंस जो है वो पेशेंट इनहेल कर ला है लाइक like कोल्ड को इनहेल कर रहा है या सिलिका को इनहेल कर रहा है या एसबेस्टॉस को इनहेल कर रहा है तो उसकी वजह से लीज भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं कंसंट्रेशन इन एटमोसफियर जो डस्ट पार्टिकल है उसकी हवा के अंदर कंसंट्रेशन क्या है इनहेल होने वाले डस्ट पार्टिकल हाई कंसेंट्रेशन में होंगे तो हायर इंफेक्शन शो करेंगे और लो कंसनट्रेशन में होंगे तो क्रॉनिक स्टेट में जाके uh, ये इंफेक्शन uh, शो कर सकते हैं इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कितना है कि कितनी टाइम के लिए वो डस्ट पार्टिकल के फेसिंग uh, में रहता है इसके अलावा पार्टिकल साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है मैक्सिममली एक से पांच माइक्रोन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लंग्स के अंदर डीपेस्ट पेनिट्रेट करते हैं एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इंडिविजुअल यानी कि किसी इंडिविजुअल जो है वो कोई डस्ट पार्टिकल के लिए अपने आप को किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है उसके ऊपर भी पैथोलॉजिकल लीजंस डिपेंड करते हैं और देखें इसकी पैथोलॉजी को और आगे देखते हैं तो डस्ट पार्टिकल इनहेल्ड इनटू लंग्स लंग्स के अंदर ये डस्ट पार्टिकल गए ये डस्ट पार्टिकल फिर एयर के थ्रू इनहेल होते हुए एलोवेराइ के अंदर चले जाते हैं डस्ट पार्टिकल इंजेस्टेड बाय द मैक्रोफेजेस इसके अंदर आ, ये मान लीजिए ये कोई डस्ट पार्टिकल है इसके अंदर ये मैक्रोफेजेस आती हैं ये मैक्रोफेजेस आके इन डस्ट पार्टिकल को इंगल्फ कर लेती हैं इंगल्फ करने के बाद में मैक्रोफेजेस कैरी देम टू द इंटरस्टीशियम यानी कि ये मैक्रोफेजेस इनको फेगोसाइटोस कर लिया इनको फेगोसाइटोस करने के बाद में इनको इस इंटरस्टीशियम के अंदर ले जाती है इंटरस्टिशियम में ले जाते ही इसके अंदर इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस हैपन होती है इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर क्या-क्या निकल सकते हैं ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर ऑफ अल्फा एंड अदर साइटोकाइंस का सीक्रेशंस होता है अदर साइटोकाइंस का सीक्रेशन होता है और इसकी वजह से ये फिर कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से यह कैपिलरी के अंदर जो भी फ्लूड मटेरियल्स होता है वो इसके अंदर ऊज आउट होने लगता है लेकिन ये धीरे धीरे सही भी हो जाता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी डस्ट पार्टिकल के साथ में बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोज हो रहा है इनकी मान लीजिए कोई वर्कर है जो किसी कोल इंडस्ट्री के अंदर कई सालों से काम कर रहा है तो वो कोल डस्ट जो होगी वो उसके लंग्स के अंदर बहुत सालों तक जमती रहेगी धीरे धीरे और ये रिएक्शन जो होगी ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दिस प्रोसेस कंटिन्यू फॉर इयर्स सो दैट लीड्स टू तो ग्रोस फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी फंक्शनल वैल्यू एंड स्ट्रक्चरल वैल्यू दोनों का ही डिटेरिएशन हो जाएगा यानी कि ये ना तो फंक्शनल सही से कर पाएगी और इसकी स्ट्रक्चर भी पूरे तरीके से बिगड़ जाएगी दैट रिजल्ट्स इन सीवियर मॉर्बिडिटी जो इन द दे एंड डेथ के अंदर रिजल्ट करेगा अब हम देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं सबसे पहला मेन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है डिस्निया ऑन एक्सर्शन यानी कि पेशेंट जब भी कोई काम करने की कोशिश करेगा थोड़ा बहुत भी एक्सर्शन करेगा तो उसको डिस्निया फील होगा उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी एक्यूट कंडीशन के अंदर एग्जर्शन एक्सर्शनिया नहीं देखने को मिल सकता है लेकिन जैसे जैसे क्रॉनिक स्टेट आती है पेशेंट के अंदर एक्शनिया देखने को मिलता है एंड इन द एंड वो एंडिया इस तरीके तक बढ़ जाता है कि पेशेंट रेस्टिंग स्टेट में भी डिस्निक फेल करता है इसके अलावा टाइटनेस ऑफ चेस्ट देखने को मिलती है पेशेंट ऐसे बोलता है जैसे कि उसकी छाती को कोई बहुत ज्यादा पत्थर से दबा के रखा हो बहुत ज्यादा टाइट फील करता है एंड कफ विथ प्यूरुलेंट Sputum, क्योंकि इन्फ्लामेटरी तो म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से प्यूरुलेंट होता है प्यूरुलेंट क्यों हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे ये रिएक्शन बढ़ती जाती है दिन प्रतिदिन तो उसके अंदर बहुत सारे अ बैक्टीरियाज का भी कॉलोनाइजेशन होने लगता है कॉलोनाइजेशन होने की वजह से कभी कभार पस फॉर्मेशन भी हो जाती है और इसी फॉर्मेशन की वजह से प्य देखने को मिलता है लेकिन यानी यानी कि कि जो जो पेश लोग कोल माइनर्स होते हैं, कोयले की, की खदानों में काम करते हैं उनके अंदर ब्लैक स्पूटम देखने को मिलता है सी बात है क्योंकि कोयला काला होता है इसीलिए जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो लंग्स के अंदर जमते जमते रहते हैं और धीरे धीरे वो डस्ट पार्टिकल हमारे आ, मैकेनिज्म के थ्रू कफिंग मैकेनिज्म के थ्रू बाहर आते रहते हैं और स्पूटम में मिलते रहते हैं जिसकी वजह से स्पूटम उनका ब्लैक देखता है इसके अलावा हेमोटाइसिस देखने को मिल सकता है और वेट लॉस देखने को मिल सकता है क्योंकि पेशेंट जब फील करेगा तो उसकी सारी एनर्जी सांस लेने के अंदर ही चली जाएगी वो पेशेंट उस एनर्जी का कहीं दूसरी जगह यूज ले नहीं पाएगा क्योंकि थोड़ा सा एक्सरसाइज करने पे पेशेंट डिस्निया हो जाएगा इसी वजह से उन पेशेंट्स में वेट लॉस देखने को मिलता है वीजिंग ऑन ऑस्कल्टेशन देखने को मिल सकती है क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है इसके अलावा साइनोसिस भी देखने को मिल सकता है अः क्रॉनिक स्टेट के अंदर क्योंकि प्रॉपरली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है सीओ टू बढ़ती जा रही है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से साइनोसिस देखने को मिल सकता है एंड डिजिटल क्लबिंग देखने को मिल सकती है डिजिटल क्लबिंग क्या होती है कि पेशेंट्स की उंगलियां जो होती है वो ड्रम्स लाइक हो ड्रम स्टिक लाइक हो जाती है जिस तरीके से ढोल uh, को पीटने के लिए जिन स्टिक्स uh, का यूज किया जाता है उन स्टिक्स के जैसे पेशेंट्स की उंगलियां देखने को मिलती है जिसको हम डिजिटल क्लबिंग बोलते हैं अब न्यूमोकोनियोसिस से क्या क्या कॉम्प्लीकेशन हो सकते हैं लाइक मिनिमल इंफ्लामेटरी रिएक्शन हो सकती है अगर पेशेंट को एक्यूट अटैक आया हो या फिर फोकल एम्फाइसीमा हो सकता है एम्फाइसीमा क्या होता है कि एल्यूलाइस की जो वॉल होती है इस वॉल के अंदर इलास्टीन प्रोटीन की कमी हो जाती है इलास्टिन प्रोटीन की जब कमी हो जाएगी तो ये एल्वलाई अपने आप को उस खींची हुई स्टेट में नहीं रख खिंची हुई स्टेट में नहीं रख पाती है जिसकी वजह से ये एक ढीले ढाले बलून के शेप में आ जाती है इसी को ही हम एम्फाइसीमा बोलते हैं सो फोकल एम्फाइसीमा यानी कि लंग्स के किसी एक पार्ट में एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर एम्फाइसीमा देखने को मिल सकता है जिसको फोकल एम्फाइसीमा बोलते हैं इंटरस्टिशियल कैल्सिफिकेशन यानी कि जो मैंने बताया था एल्यूलाई और उसके आसपास की ब्लड कैपिलरी के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं और इसके अंदर बहुत बार कैल्सीफिकेशन देखने को मिल सकता है और जब कैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो एल्वलाइज प्रॉपरली फूल नहीं पाएगी प्रॉपर्ली इनहेल एंड एक्सेल नहीं कर पाएगी जिसकी वजह से पेशेंट डिसनिकल करेगा लोकल इरिटेशन हो सकता है कि आ, किसी लंग्स के किसी एक पार्ट में किसी एक एलवलाई या कुछ पार्ट के अंदर अगर इरिटेशन हो रहा है तो वहां पे सिर्फ इन्फ्लामेटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं तो इसको लोकल इरिटेशन बोलते हैं एलर्जिक एलवलाइटिस देखने को मिल सकता है कि एल्वलाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम एलर्जिक एलविटिस बोलते हैं ब्रॉन्क टेसिस देखने को मिल सकता है ट्यूबर सकता है एंड अस्थमा एंड ये सारे कॉम्प्लीकेशन ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस की वजह से एक पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं लेकिन ये कॉम्प्लीकेशन धीरे धीरे शो होते हैं एंड इन द एंड जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा डिटेरेट हो जाती है तब हमें ये कॉम्प्लीकेशन देखने को मिलते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने जरूरी है इन सारे ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस के बारे में जैसे कि सिलिका पार्टिकल्स जो होते हैं इंजेस्टेड बाय मैक्रोफेजेज एंड एक्यूमुलेट एंड ब्लॉक लिम्फेटिक चैनल्स जब मैंने आपको इसकी पैथोलॉजी के बारे में बताया था तो पैथोलॉजी में था कि ये मैक्रोफेजेस इनको इंटरस्टिशियम में लेके जाती है और वहाँ जाके ये इंफ्लामेटिक चेंजेस करती है लेकिन सिलिकोसिस में क्या होता है कि ये मैक्रोफेजेस धीरे धीरे यहाँ एक्यूमुलेट होती है लेकिन उसके बाद में ये यहाँ से माइग्रेट करके लिम्फेटिक चैनल्स में चली जाती है और लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू फिर पूरी बॉडी के पूरी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फ्लो कर सकती है तो ये सिलिकोसिस में ही देखने को मिलता है दूसरा सिलिकोसिस मेक अ पर्सन मोर प्रोन फॉर ट्यूबरकुलोसिस जैसा कि आ, मैंने आपको बताया कि ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में भी ये फ्लो कर सकती है तो इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि सिलिकोसिस के में डस्ट पार्टिकल के साथ ही साथ में माइक्रो बैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है वो भी लंग्स में चला जाता है और लंग्स में चला जाने के बाद में फिर ये सारी ट्यूबरकुलोसिस वाली पैथोलॉजी करता है ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर मैंने एक आ, वीडियो ऑलरेडी बना रखा है आप चाहे तो वो स, इसकी पैथोलॉजी साइन एंड सिम्टम्स डायग्नोसिस आप वो वहां देख सकते हैं और तो सिलिकोसिस की वजह से पेशेंट जो होता है वो ट्यूबरकुलिस के लिए प्रोन हो जाता है और क्योंकि सिलिकोसिस में सिलिका डस्ट पार्टिकल जो है वो पूरी बॉडी में लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू फ्लो करते हैं इसीलिए ट्यूबरकुलसिस का बैक्टीरिया भी उनके साथ में पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर सकता है जिसकी वजह से ट्यूबरकुलसिस या मिलियरी ट्यूबरकुलसिस देखने को मिल सकता है इसको हम कॉमनली सिलिको ट्यूबर भी बोलते हैं सिलिको ट्यूबर भी बोल सकते हैं इसके अलावा एस्बेस्टोसिस पार्टिकल आर नीडल शेप्स विच सेटल डाउन सीमेंट बनाने के अंदर ज्यादा यूज आते हैं इसीलिए ये नीडल शेप में होते हैं और ये लंग्स में लो लोब्स के अंदर जाके सेटल डाउन होते हैं Fibrosis in asbestosis is due to mechanical irritation. ज्यादातर के अंदर मैकेनिकल इरिटेशन ही देखने को मिलता है लेकिन में ये मैकेनिकल इरिटेशन हायर अमाउंट में देखने को मिलता है एंड फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं लॉन्ग फाइबर्स जिसको हम एम्फीबोल बोलते हैं एंड फेदरी फाइबर्स जिसको हम क्रायोस्टाइल बोलते हैं और ये दोनों ही कार्सिनोजेनिक होते हैं ये दोनों पार्टिकल्स जो होते हैं टू टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं जो दोनों के दोनों कार्सिनोजेनिक होते हैं यानी कि ये लंग्स के अंदर मेलिग्नेंसी को डेवलप कर सकते हैं अब हम इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं कि न्यूमोकोनियोसिस के पेशेंट्स को किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं तो उसमें सबसे पहला टेस्ट आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसको हम स्पाइरोमीट्री भी बोलते हैं स्पाइरोमीट्री के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसको आप प्रॉपरली देख सकते हैं इसके अंदर मेनली कुछ चीजें ध्यान देखने के लिए होती है जिसमें फोर्ड एक्सपाइरेट्री वॉल्यूम इन वन सेकेंड एंड फोर्स वाइटल कैपेसिटी फोर्स्ड एक्सपाइरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड क्या होता है कि जब पेशेंट को फोर्सफुली इनहेल करने के बाद में फोर्सफुली एक्सहेल करवाया जाता है तो फर्स्ट सेकंड के अंदर एयर का जो वॉल्यूम एक्सल होता है उसको हम फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकंड बोलते हैं एंड जो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का एक्सेल हो पाता है उसको हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं हेल्दी पेशेंट में फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकंड की वैल्यू फोर लीटर तक आती है एंड फोर्स वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू फाइव लीटर तक आती है सो अप्रोक्सीमेटली पी की वैल्यू जो होती है वो पॉइंट या फिर एटी परसेंट के अप्रॉक्स हेल्दी पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्योंकि ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है यानी कि इंटरस्टिशियम के अंदर इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो इंटरस्टिशियम में क्योंकि एंड इलास्टिन फाइबर्स देखने को मिलते हैं और इनके अंदर जब डिफॉर्मिटी होती है तो लंग्स जो होते हैं वो प्रॉपरली एक्सहेल एंड इनहेल नहीं कर पाते हैं जब प्रॉपरली एक्सहेल एंड इनहेल नहीं कर पाएंगे तो लंग्स के अंदर एयर प्रॉपर जा नहीं पाएगी प्रॉपर जा नहीं पाएगी तो पेशेंट प्रॉपर एक्सहेल नहीं कर पाएगा तो जब एक्सहेल नहीं कर पाएगा तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड की वैल्यू भी कम हो जाएगी एंड जो टोटल वॉल्यूम वो पूरा एक्सहेल कर सकता है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी यानी कि मान लीजिए मैं ये ग्राफ बनाता हूँ जो कि ये हेल्दी पर्सन का ग्राफ है जिसमें एफ ई वी वन यानी कि फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन इन वन वन सेकेंड सेकेंड वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो फोर लीटर है एंड फोर्ट वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू फाइव लीटर है लेकिन अगर कोई न्यूमोकोनियोसिस का पेशेंट है तो उसके अंदर क्योंकि लंग्स प्रॉपर एक्सेल एंड इनहेल नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो होगा वो फर्स्ट सेकेंड के अंदर एक्सेल प्रॉपरली नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से एफ वी वन की वैल्यू भी कम हो जाएगी एंड जो टोटल लंग कैपेसिटी सॉरी मतलब के जो टोटल एक्सेल होगा वॉल्यूम का वो भी कम हो जाएगा यानी कि फोर्स्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड एंड फोर्स्ट वाइटल कैपेसिटी दोनों की वैल्यू कम मिलेगी और इन्ही की वजह से इनकी टोटल लंग कैपेसिटी भी कम देखने को मिलती है इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं जिसमें हमें ज्यादातर फाइंडिंग्स बहुत स्पेसिफिक नहीं होती है लेकिन कुछ फाइंडिंग्स ऐसी होती है जो कि स्पेसिफिक न्यूमोकोनियोसिस में देखने को मिलती है लाइक सिलिकोसिस में मिल सकती है स्नो की पैटर्न एंड एस्बेस्टोसिस में स्ट्रीकी फाइब्रोसिस देखने को मिल सकता है फाइन एंड प्रोमिनेंट स्ट्रीकी फाइब्रोसिस इसके अलावा स्नो स्नोस्टॉम पैटर्न और भी बहुत सारी डिजीजेस में देखने को मिल सकता है लेकिन न्यूमोकोनियोसिस स्पेसिफिकली न्यूमोकोनियोसिस यानी कि ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस जो है उनमें स्नो स्टॉम पैटर्न सिलिकोसिस में एंड फाइब्र प्रोसेस जो है वो एसबेस्टोसिस में देखने को मिलता है इसके बाद में हम उसका एच आर ऑफ थॉरेक्स भी करवा सकते हैं यानी कि हाई रेजोनेंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन करवा सकते हैं एंड स्पूटम कल्चर करवा सकते हैं स्पूटम कल्चर से हम ये जान सकते हैं कि स्पूटम के अंदर जो आने वाले पार्टिकल्स हैं जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अब हम रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखते हैं जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि स्नो स्टॉम पैटर्न एंड स्टिकी फाइब्रोसिस किस तरीके से मिलते हैं सबसे पहले ये एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को मैं दो अलग अलग पैथोलॉजिकल चेस्ट एक्सरे से कंपेयर uh, करूंगा तो ये जो आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं ये जो फाइंडिंग्स जो छोटे 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 आप डॉट्स देख पा रहे हैं ये लंग ये लंग्स का जो फील्ड है ये पूरा प्रोपरली क्लियर है ये जो फील्ड है ये प्रॉपरली क्लियर है इसमें किसी भी टाइप की कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं मिल रही लेकिन इस लंग, इस चेस्ट में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे छोटे छोटे ऐसे बादलों के जैसे इसके अंदर हेजीनेस या ओपेसिटी देखने को मिल रही है ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बर्फ का तूफान आया हो इसी को हम स्नो स्टोर्म पैटर्न बोलते हैं स्नो स्टॉर्म पैटर्न बोलते हैं जो कि में देखने को मिलता है मैक्सिममली अब हम इस साइड में देखते हैं तो इसके अंदर हमें फाइब्रोसिस देखने को मिल रहा है ये जो लंग फील्ड है आप हेल्दी पेशेंट का लंग फील्ड देखिए ये लंग फील्ड एकदम क्लियर है लेकिन इसके अंदर ये क्या है जो प्लूरल पार्ट है ये प्लूरल पार्ट में हेजीनेस बहुत ही ज्यादा हो चुकी है यानी कि ये हेजीनेस हद से ज्यादा बढ़ चुकी है इसके अंदर भी ये जो प्लूरल पार्ट है इसके अंदर भी ये हेजीनेस बढ़ चुकी है जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं और ये फाइब्रोसिस कहा देखने को मिलता है एसबॉसिस में देखने को मिलता है और जैसा कि मैंने आपको कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एसबेस्टोसिस के जो पार्टिकल है वो डीप डाउन इन द लंग्स में सेटल डाउन होते हैं यानी कि लोअर लोब्स में सेटल डाउन होते हैं तो ये फाइब्रोसिस जो है ये हमें लोअर लोब्स में देखने को मिल रही है तो इसीलिए फाइब्रोसिस वाली कंडीशन में मिलती है एंड स्टोम पैटर्न सिलिकोसिस में मिलता है एच आर सी टी देखते हैं ये एक हेल्दी पेशेंट की एचआरसीटी है जिस तरीके से ये एक हेल्दी पेशेंट हेल्दी पर्सन का चेस्ट एक्सरे था वैसे ही ये हेल्दी पर्सन की एचआर सिटी है अब हम देखते हैं स्नो स्टोम पैटर्न जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें डॉट चेस्ट एक्सरे में डॉट डॉट में मेंस मिल रही थी जैसा लग रहा था जैसे कि कोई बर्फ का तूफान हो वैसे ही इसके अंदर ये जो व्हाइट व्हाइट डॉट्स देखने को मिल रहे हैं ये एक बर्फ के जैसे दिख रहे हैं जैसे कि बर्फ का तूफान आया हो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जैसे कि बर्फ का तूफान आता है वैसे ही ये बर्फ का तूफान आया हो ये सिलिकोसिस में देखने को मिलता है इसके अलावा फाइब्रोसिस की हम चेस्ट ऑफ़ देखते हैं तो इसके अंदर हमें फाइब्रोसिस का कैसे पता चलेगा हनी कॉम्बिंग हनी कॉम्बिंग हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी हनी कॉम्बिंग क्या होती है कि आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा होगा वो किस तरीके से एक हेक्सागोनल वे के अंदर हमें देखने को मिलता है वैसे ही इसके अंदर ये जो आप देख सकते हैं ये ये हनी कॉम्बिंग को शो करते हैं इसके अंदर ये जो एलवे जो पार्ट्स uh, हैं ये एक हनी कॉम्बिंग इसके अंदर देखने को मिल रही है ये हॉलो हो चुकी है पूरी की पूरी ये जो पार्ट्स हैं ये पूरे हॉलो हो चुके हैं ये हनी कॉम्बिंग देखने को मिल रही है तो ये हनी कॉम्बिंग फाइब्रोसिस को शो करती है और जो इसमें मिलती है एसबेस्टोसिस में देखने को मिलती है तो इस तरीके से हमने रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी देख ली अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं इन मॉडर्न वे तो मॉडर्न वे में न्यूमोकोनियोसिस uh, टाइप की बीमारी के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट uh, नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एज लैकिंग ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक में क्या है लाइक अगर पेशेंट को डिस्निया फील हो रहा है तो ब्रॉन्कोडाइलेटर्स का यूज किया जा सकता है सप्लीमेंटल uh, ऑक्सीजन दी जा सकती है एंड एंटीबायोटिक्स का यूज किया जा सकता है क्यों क्योंकि पेशेंट को से, सेकेंडरी बैक्टीरियल या माइक्रो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि सिलिकोसिस जो होता है सिलिकोसिस ट्यूबरकुलोसिस के लिए प्रोन होता है फ्यूबरकुलसिस को डेवलप करने के लिए प्रोन होता है इसीलिए एंटी माइक्रोबैक्टीरियल या एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट एंड एंटीबायोटिक्स का यूज भी किया जा सकता है अब हम देखते हैं कि इसका प्रिवेंशन किया, कैसे किया जा सकता है जो माइनिंग्स के अंदर जो इन in इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क करते हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है सो वी प्रॉपर मास्किंग गेयर वाइल वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री के पेश की जो इंसान किसी इंडस्ट्री के अंदर लाइक डस्ट ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा यूज बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं तो उनके अंदर आ, पेशेंट्स को प्रॉपर मास्किंग गियर का यूज करना चाहिए लाइक एन नाइन्टी फाइव का यूज किया जा सकता है या नॉर्मल सर्जिकल मास्क का भी यूज किया जा सकता है ताकि डस्ट पार्टिकल सीधे डायरेक्ट लंग्स के अंदर ना जा सके मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी डन एट रिपीटेड इंटरवल या जो लोग उन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री को चलाने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उनके अंदर काम करने वाले लोगों का प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सके ताकि टाइम टू टाइम ये पता चल सके कि किन किन लोगों को डस्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम इशू हो रहा है या फिर कौन कौन से लोग हेल्दी हैं एंड रिमूवल ऑफ पेशेंट फ्रॉम हार्मफुल एनवायरमेंट या मतलब के अगर किसी पेशेंट को ये न्यूमोकोनियोसिस या ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज हो गई है तो उस उस पेशेंट को उस हार्मफुल एनवायरमेंट से अलग करना ही पड़ेगा ताकि उस पेशेंट की कंडीशन ज्यादा डेटरेट ना हो पाए अब हम समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या देखने की कोशिश की लाइक इज डिफाइंड एज लंग डिजीज इज बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एनी इंडस्ट्री इंडस्ट्री में भी लाइक कोल वर्कर्स हो सकते हैं सिलिका इंडस्ट्री में जो मेटल uh, ग्राउंडिंग का, का काम करते हैं स्टोन क्रशिंग का काम का करते, uh, का का करते हैं या कॉटन इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं या शुगर केन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इस तरीके से ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल से बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है उनके अंदर उन आ, उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो लंग डिजीजेस होती है जो इंटोस्टिशियल लंग डिजीजे होती है उनको हम न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं और इसमें ग्रोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस देखने को मिलते हैं ट्यूबरकुलोसिस एम्फाइसिमा ब्रोंकाइटिस मेलेग्नेंसी में ऑकर एज कॉम्प्लेन कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट इज ऑलवेज सिमटोमेटिक एज अ प्रॉपर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज not available and proper wearing of mask should be done for industry workers thank you so much बहुत आया होगा। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया होगा अगर आपको इस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट sections में कमेंट कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके उन questions का आंसर प्रॉपर तरीके से दे सकूं इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवत्वाय में थैंक यू सो मच